कई जगह पर शहरों में जो बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं वहां पर लोगों ने इस तरह की बात कही कि पिछले 22 साल से बीजेपी की सरकार है, हम बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन 3 साल पहले मोदी जी जो दिल्ली चले गए ना, उसके बाद ये बीजेपी की गाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई। तो बीजेपी का एक सबसे कमजोर पक्ष मैं इसे कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद वहां का जो वोटर है वो बीजेपी से अपने आप को थोड़ा अलग महसूस कर रहा है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर कि बीजेपी जो है वो रुझानों में 92 पर पहुंच गई है। ये बीजेपी 92 सीट्स पर लीड कर रही है। 92 गुजरात असेंबली का मैजिक फिगर है, यानी अगर ये लीडिंग जो लीड कर रही है बीजेपी, अगर वो 92 सीटें जीत जाती है तो वो सरकार बना लेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी भी 83 सीट्स पर है। तो ये पीवी संधु और कैरोलिना के मैच की तरह पल पल में ये जो है स्कोर बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। मैं अभय अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूँ दीक्षा के लिए खास तौर पर कि हार्दिक पटेल की सेक्स सीडी से मणिशंकर अय्यर के बयान तक और गब्बर सिंह टैक्स से भारत पाकिस्तान तक इस चुनाव ने बहुत सारे रंग देखे हैं। तो नतीजे भी जो है वो सीधे सीधे नहीं होंगे, बहुत एक्साइट करेंगे हमें भी आने वाले टाइम में। You know, sir, it's been a cracker of a contest so far. And I keep using this cricket cliche because that's what it is. If an election can go down to the wire, if a big election can go down to the wire, this is it. 92-83, these are leads. Do you think, sir, that now that voting seems to be, we're getting leads from almost every constituency. Do you think now, sir, that in the close contest, the Congress will be able to pull it back, or do you think now that it's been a couple of hours, अभी कितना time कितना हो चुका है? अभी time 9:30 हुए। देखिए अब क्या है, ये करीब करीब 178 seats के lead हमको मिल गए हैं। दो घंटे डेढ़ घंटे के आसपास का counting का समय हो गया है, तो इतने round हो चुके हैं। इस पर ये माना जाए। और एक refresh हुआ 94-83 दिखा रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं फिर से आ रहा हूँ इसी बात पे। बीजेपी इस अजम्पशन पर बात करिए आप तो इस वक्त कि बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार नहीं बने ऐसा इन नंबरों को देख के अभी लगता नहीं है। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का चैलेंज रखा उसके सामने हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि बीजेपी की जो सुपर इफिशियंट मशीनरी है, पन्ना प्रमुख से पर्चा प्रमुख, 12-15 परिवारों को एक और कार्यकर्ता मैनेज करेगा, वोट ला करके डलवाएगा, एक एक पेज का जो उनका उनके पास वॉलंटियर है। तो बीजेपी के पास इतनी सुपर इफिशियंट मशीन थी। हाँ। कांग्रेस का एटीट्यूड ये था कि पब्लिक नाराज है आके वोट कर देगी। हाँ। बीजेपी का ये था कि एक एक वोटर के घर जाकर उसको लेकर के आना है।